हेलो डियर फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोयाबीन की चटनी। वैसे आपने बहुत सी चटनी खाई होंगी, लेकिन एक बार सोयाबीन की चटनी भी खा के देखिए, बहुत टेस्टी होती। तो चलो हम देखते हैं कि हमने कैसे बनाई है। सबसे पहले हम सोयाबीन को ले लेंगे, सोयाबीन एक प्लेट में लेके, फिर हम सोयाबीन को गरम तवे पे भून लेंगे। तवे पे सोयाबीन को भून लेंगे, बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है इसकी चटनी। सोयाबीन को भून के हम उसे ठंडा करके, ठंडा करने के बाद हम उसे भिगाने रख देंगे। 3-4 घंटे कम से कम सोयाबीन भीगना चाहिए, इसलिए हम इसे भिगाने रख देंगे। और भिगाने के बाद जब हम 3-4 घंटे हो जाएं, उसके बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो चलो देखते हैं हम इसके साथ क्या क्या डालते हैं। सोयाबीन की चटनी के लिए हम लेंगे धनिया, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और वही भीगे हुए सोयाबीन। इसको हम सब एक साथ मिक्सिंग जार में डाल के, मिर्ची भी डाल देंगे, आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मैंने टमाटर डाला है, आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। चटनी तो ऐसी चीज़ है कि हम इसमें कुछ भी डाल दें वो स्वादिष्ट ही लगती है, इसलिए सबको हम मिक्सिंग जार में डाल के, और इसी में ही हम नमक भी ऐड कर देंगे और इसे पीस लेंगे। और बहुत ही, आप यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी होती है चटनी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। लो तैयार है हमारी चटनी, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।